घर की महिलाएं अगर कहीं जाती हैं तो सबसे पहले उन्हें यही चिंता रहता है, घर का नाश्ता खाना कैसे बनेगा। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड, मैं सुबह 4 बजे से उठ करके लग गई हूँ आज, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए सुबह से तैयारी में लगी हूँ। सारा काम घर का हो गया है अभी, और मैं नहा करके आ गई हूँ, और यहाँ पर आ करके पहले पूजा कर लेती हूँ। सब जगह झाड़ू पोछा सब करके नहा ली और नाश्ता भी बना, और अभी 6 बज गया है, हल्का हल्का इंजोला हुआ है अभी, और मैं अभी थोड़ा सा फूल तोड़ने आ गई हूँ यहाँ पर। अभी ज़्यादा फूल अभी नहीं फुला रहा है, बस थोड़ा बहुत ही निकलता है। बस एक है उड़हुल का फूल, वही 2-4 ठो मिल गया है। और देखिए अभी थोड़ा सा इंजोला हो रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है। अभी सुबह सुबह का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह आदमी उठ नहीं पाता है, लेकिन उठने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब उठ जाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह काम भी सारा हो जाता है, और उसके बाद आपका टाइम पर सब कुछ हो जाता है। उठिए कान्हा जी, उठिए गोपाल जी, कान्हा जी, लड्डू बाबू, उठ जाइए जल्दी से, राधे राधे। और मेरे लड्डू बाबू उठ गए हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कान्हा जी, राधे राधे। और अभी किचन में मैं चढ़ाई हूँ दलिया इनके लिए, और यहाँ मैं छोला बना करके रख दी हूँ, देखिए। तो फ्रेंड, हम लोगों को कहीं सुबह सुबह जाना रहता है तो सबसे पहले सभी के लिए नाश्ता वगैरह बना करके ही निकलना होता है। तो इसलिए मैं सुबह 4 बजे से ही उठ गई थी, क्योंकि सुबह 8:30 बजे तक मुझे निकलना है, कहीं जाना है बहुत ज़रूरी काम से। इसलिए मैं जल्दी से उठ करके सारा काम कर ली, नाश्ता वगैरह बना ली, और यहाँ पर देखिए पूजा भी मेरा हो गया है। कान्हा जी का भी पूजा करना ज़रूरी रहता है, तो मैं पूजा भी कर ली हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ किचन में, क्योंकि इनके लिए अभी भोग भी बनाना है। तो मैं सबसे पहले फिर से इसे पूछ दे रही हूँ, क्योंकि सुबह में लहसुन प्याज और नमक का खाना यहाँ बना है। तो फिर से पूछ करके यहाँ दूध चढ़ा दे रही हूँ, और एक तरफ दूध उबलेगा और एक तरफ चाय बनेगा, और कान्हा जी को मैं भोग लगा दूँगी दूध चूड़ा का। तो अभी मैं बाल भी नहीं झाड़ी हूँ, बाल थोड़ा देर में झाड़ूंगी। और अभी देखिए मेरा चाय बन रहा है, दूध उबल रहा है। अरे देखिए मेरी बेटी मेरे लिए क्या लाई है। किचन का कोई भी सामान आता है तो मुझे बहुत ही खुशी होता है। ये सब्जी भी धो सकती हूँ और फल वगैरह भी धो सकती हूँ, तो मेरी बेटी लाई, मम्मी तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा। चार बजे उठी तो सारा टाइम से काम हो गया है। सुबह सुबह पूजा मेरा हो जाता है तो मुझे बहुत ही खुशी होता है कि आज मेरा पूजा अच्छा से हो गया। हम लोग अगर 2 घंटा पहले अगर उठ जाएं 6 के बजाय 4 बजे, तो सारा काम टाइम पर हो जाता है, और सुबह सुबह उठने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। सारा काम भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया, और यहाँ देखिए मेरा चाय भी बन गया। वो उठो, 7 बज चुका है। मोबाइल दे रहे हैं उठते साथ मोबाइल। तो आज मैं कुछ कान्हा जी के लिए ज़्यादा बना नहीं सकती, इसलिए चूड़ा, दूध और गुड़ डाल करके भोग लगा दे रही हूँ। चलो कान्हा जी का भोग भी लग जाएगा, और यहाँ पर हम लोग दोनों जा रहे हैं चाय पीने के लिए। इनको मैं चाय दे दी हूँ, और मैं भी अपना बैठ गई हूँ, और कुछ हम लोग दोनों बातें कर रहे हैं, और ये आराम से पहले व्यायाम करते हैं, और बिस्तर पर ही चाय पी करके तब निकलते हैं। और यहाँ मैं अपना बाल झाड़ ले रही हूँ, और बाबू उठते के साथ मोबाइल मांगना स्टार्ट कर देता है, इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत होता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा जवाइन पानी पीने जा रही हूँ, और उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ। क्या है कि मेरा पेट में थोड़ा गैस गैस लग रहा है, नहीं बन सकता है, क्योंकि अब मोबाइल मोबाइल इधर ना, इधर आना, इधर आना,
हिला हिला के मोबाइल गिराएगा का है? ना ना। रुक जाओ। और अभी सब कोई उठा है तो सब बिस्तर भी मैं अब अच्छा से कर दे रही हूँ, और उसके बाद मैं साड़ी पहन ली और अब मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं साड़ी अच्छा से कर ले रही हूँ, उसके बाद चूड़ी वगैरह पहनूँगी। और अभी 8:30 बज रहा है और 8:30 बजे ही निकलना है मुझे। आज बहुत ज़रूरी काम था, सुबह सुबह जाना था, इसलिए सुबह से उठ करके ही सारा काम वगैरह कर ली हूँ। और अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ और मैं और ये हम लोग सब निकल जाएंगे। तो क्या, और मैं और ये जा रहे थे और बच्चे लोग घर में थे, इसलिए मोबाइल में बाहर लेकर के नहीं गई, इसलिए बाहर का वीडियो कोई भी नहीं बना पाई। क्या है कि जो भी घर में रहता है उसे मोबाइल चाहिए और मोबाइल में दिन भर कुछ न कुछ देखते रहना है सभी को, इसीलिए। और वहां से आ करके फिर लग गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह में लंच का तैयारी करके नहीं गई थी, तो अभी लंच का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कचरी और चटनी वगैरह बना करके खाना दूंगी। तो फ्रेंड मैं गई थी बाहर में और सुबह से उठ करके सारा तैयारी करके गई, लेकिन वो काम हुआ नहीं जो ज़रूरी काम था। फिर वहाँ से वापस आ करके फिर से मैं लग गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह मैं सिर्फ नाश्ता बना करके गई थी और अभी मैं बना रही हूँ प्याज की कचौरी। और यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।